तो प्रदेश में राज्यसभा की टिकट को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। हमारे संवाददाता ने राज्य मंत्री अनूप प्रधान से की खास बातचीत, देखिए। इसे उत्तर प्रदेश के अंदर राज्यसभा को लेकर जो तनातनी चल रही है, इस समय हमारे साथ मौजूद अनूप प्रधान जी से बात करते हैं, राज्य मंत्री हैं। सर, लगातार जो है उत्तर प्रदेश की सियासत जो है और गहमा गहमी हो जा रही है। अब जो है आज जयंत चौधरी ने नामांकन दाखिल किया है, क्या लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई असर पड़ेगा इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी प्रत्याशी बनाए वो सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, ठीक है। रहा साहब उनके दल का जो उनको प्रत्याशी बनाए तो उनका दल जाने, बाकी ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी प्रत्याशी को टिकट दिया वो सभी भाजपा के हैं और निश्चित वो चुनाव भी जीतेंगे। कार्यकारिणी की बैठक की तमाम बातें हुई, उसके अंदर क्या लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर चर्चा और जल्दी? नहीं नहीं, जैसा कि कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी तो मैं भी उसमें उपस्थित था। संगठन और कैसे मजबूत हो और आगामी जो 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है उसको हम और अच्छे से कैसे जीतें, उसके विषय में हुआ चर्चा। एक सवाल अंतिम और है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं 3 तारीख को और फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अब तक की जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी उसमें कुछ नहीं हो पाया, उसमें ना रोजगार आ पाए ना कल कारखाने लग पाए। देखिए, ऐसा नहीं, विपक्ष का काम तो आलोचना करना और लगातार आलोचना, चाहे सदन हो चाहे सदन से बाहर हो, लगातार आलोचना करते रहें। जैसा कि आपने कहा कि ब्रेकिंग सेरेमनी है तो निश्चित ही हमारे प्रदेश में, ठीक है, मैं अपने क्षेत्र की करूँ, डिफेंस कॉरिडोर, अनेकों उद्योग हमारे क्षेत्र में आए और प्रदेश में आए, आप देख रहे हैं निश्चित ही, तो ये उसकी अच्छी पहल है। और निश्चित ही हमारे उत्तर प्रदेश में जिस तरह का उद्योगों को बढ़ावा मिला है, निश्चित ही यहाँ लोग आ रहे हैं, और जो उनकी सरकार के समय था तो यहाँ कोई भी जो बड़े उद्योगपति है उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहते। आज प्रत्येक उद्योगपति चाहता है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करें। बहुत बात तो ये थे अनूप प्रधान जी ने साफ तौर पर बोला कि प्रदेश के अंदर जिस तरीके का निवेश आ रहा है उससे कहीं ना कहीं विपक्ष बौखलाया हुआ है। कैमरा शैलेश पांडे के साथ रामनिवास, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।